Hello guys, how are you? Welcome to GeoMind. In this video, we will talk about physical properties of minerals. And the properties we are going to talk about are hardness, streak and cleavage. So I've already made 5 videos on mineralogy. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हो इन वीडियो को. पिछली वीडियो में मैंने कलर को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, जो कलर प्रॉपर्टी होती है मिनरल की, कि मिनरल को कलर कैसे मिलता है. ठीक है, सो वो मैंने अच्छे से डिस्कस किया है और आज हम शुरू करेंगे ऑल दीज प्रॉपर्टीज. ओके, तो ये है जो आपको थंबनेल में दिख रहा है, ये एक केव है और ये फोटो मुझे काफी अच्छी लगी, इंटरेस्टिंग फोटो है, तो मैंने इसको थंबनेल में लगाया. तो इसमें आप देख रहे होंगे बहुत बड़े क्रिस्टल्स हैं और ये क्रिस्टल हैं सेलेनियम के. ओके, सॉरी सेलेनाइट के, नॉट सेलेनियम, सेलेनाइट के क्रिस्टल हैं. सेलेनाइट एक जिप्सम का वैरायटी होती है और ये नाइका केव है. नाइका केव इज इन मेक्सिको. अगर आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हो इसको यूट्यूब पे या गूगल पे. ओके, और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ. कमेंट करो नीचे अपने थॉट्स. ठीक है, तो ऑल्सो मेरा टेलीग्राम का ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. तो अगर आप टेलीग्राम में मेंबर्स नहीं बने हो तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो. वहां पे मैं क्विज पोस्ट करता हूँ रेगुलरली. ठीक है, 15 क्वेश्चन क्विज रहते हैं तो आप चाहे तो उन्हें देख सकते हो. ठीक है, सो हियर इज क्विज अबाउट प्रीवियस वीडियो, जिसमें मैंने डिफरेंट क्वेश्चंस दिए थे और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. फॉर एग्जांपल, अमीथाइस्ट का पर्पल कलर कैसे मिलता है. ठीक है, फ्लोरोसेंट मिनरल कौन कौन से होते हैं, फॉस्फोरेसेंस क्या होती है, ट्राइबोल्यूमिनेसेंस क्या होती है. तो अगर आपको क्वेश्चन आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं आते हैं तो आप कलर को चेक कर सकते हो, जो कलर की वीडियो है. ठीक है, सो आप पॉज करके इन क्वेश्चन को देख सकते हो. ओके, टाइगर्स आई क्या होता है, एस्टेरिज्म वगैरह. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हार्डनेस को. देखो, हार्डनेस में कुछ बड़ी बात नहीं है. हार्डनेस क्या होती है, रेजिस्टेंस ऑफ स्क्रैच. ओके, मिनरल कितना इजीली स्क्रैच हो रहा है. ठीक है, वो हार्डनेस एक प्रॉपर्टी होती है मिनरल की. तो डिफरेंट हार्डनेस के मिनरल होते हैं, फॉर एग्जाम्पल डायमंड, टॉल्क. ठीक है, ये सब. तो हम बात करेंगे सीधा मोज स्केल की. फ्रेडरिक मोज एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने मोज स्केल बनाया था. ठीक है, तो सीधा आ जाओ मोज स्केल पे. हियर इज मोज स्केल. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्मूलाज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स एंड हियर इज द हार्डनेस नंबर. आप देख रहे होंगे कि हार्डनेस एक एक करके इंक्रीज हो रही है, बट ये एब्सोल्यूट हार्डनेस नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि मोज हार्डनेस नंबर जो है वो क्या एब्सोल्यूट हार्डनेस नंबर है. बिल्कुल नहीं. इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आप डायमंड 10 पे रखे हो और टॉल्क इज 1, तो इसका मतलब ये नहीं कि डायमंड इज 10 टाइम्स हार्डर देन टॉल्क. ठीक है, क्यों नहीं है ये हम आगे डिस्कस करेंगे. बिकॉज दिस स्केल क्या है, ये स्केल है रिलेटिव स्केल. ठीक है, ये सिर्फ बताता है कि कौन सा मिनरल किसको स्क्रैच करेगा. फॉर एग्जाम्पल एपाटाइट फ्लोराइड को स्क्रैच करेगा. ठीक है, ऑर्थोक्लिस क्वार्ट्ज को स्क्रैच करेगा, लेकिन सॉरी क्वार्ट्ज ऑर्थोक्लिस को स्क्रैच करेगा, सॉरी, लेकिन ऑर्थोक्लिस क्वार्ट्ज को स्क्रैच नहीं कर सकता है. ठीक है, इसके ऊपर डिफरेंट क्वेश्चन भी बनते हैं. फॉर एग्जाम्पल कि भाई मोज स्केल में कितने सिलिकेट मिनरल है. ठीक है, 4 सिलिकेट मिनरल है. टॉल्क हो गया हमारा, ऑर्थोक्लिस हो गया, क्वार्ट्ज हो गया और टोपाज हो गया. इसलिए फॉर्मूलाज को याद करना बहुत जरूरी है. वैसे ही ऑक्साइड मिनरल पूछ लेगा कौन कौन से ऑक्साइड मिनरल है. ठीक है, जैसे कि कोरंडम हो गया. ठीक है, और आपको ये भी एग्जांपल जैसे कि ग्लास प्लेट की हार्डनेस कितनी है. ठीक है, पॉकेट नाइफ की हार्डनेस कितनी है, ये सब आपको याद करना है. ठीक है, तो सीधा हम आते हैं एब्सोल्यूट हार्डनेस स्केल पे. तो आप देख सकते हो कि यार इस देखो, इसमें एक ग्राफ है और इसमें आपको दो चीजें दिख रही होंगी. यहां एक्स एक्सिस पे आपको मोज स्केल दिखेगा जो कि स्टेडली इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, एक एक करके इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ये रिलेटिव हार्डनेस है. ठीक है, एंड एब्सोल्यूट हार्डनेस बाय स्क्लेरोमीटर. स्क्लेरोमीटर क्या है, एक स्क्रैच मीटर होता है. ठीक है, जिससे हम पता लगाते हैं कि कौन कितना हार्ड है. ठीक है, कौन कितना रेजिस्ट कर रहा है स्क्रैच को. तो डायमंड सबसे ऊपर है, आप डायमंड की वैल्यू देख सकते हो 1600 है. ठीक है, लेकिन कोरंडम की वैल्यू है 400, जो दूसरे नंबर पे आता है. तो ऑलमोस्ट 4 टाइम्स जो डायमंड है, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स हार्डर है अकॉर्डिंग टू एब्सोल्यूट हार्डनेस, लेकिन 1 टाइम हार्डर है अकॉर्डिंग टू मोज स्केल हार्डनेस. ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है. एब्सोल्यूट हार्डनेस इज द ओरिजिनल हार्डनेस ऑफ द मिनरल. ओके, हियर आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. मिनरल्स विद हार्डनेस लेस देन 3 आर सॉफ्ट मिनरल्स. 3 से 5.5 हार्डनेस जिसकी होगी वो हार्ड मिनरल होते हैं. और रिमेंबर, यहाँ पे हार्डनेस जो स्केल है, यहाँ पे मोज स्केल दे रखा है. ठीक है, 5.5 से हार्डनेस होगा वो हार्ड मिनरल होगा. अब हम अदर हार्डनेस टेस्ट की बात कर रहे हैं, एब्सोल्यूट हार्डनेस टेस्ट, जिसमें होते हैं ब्रिनेल, नोप, रॉकवेल, शोर्स,
एंड विकर्स। अब हम बात करेंगे विकर की, ठीक है। देखो मोज स्केल रिलेटिव स्केल है और ये पुराना स्केल है बहुत, ठीक है, इसीलिए ये टेस्ट यूज किए गए हैं, ठीक है। सॉरी अबाउट द बैकग्राउंड नॉइस एंड डॉग्स, मेरे पास प्रॉपर माइक्रोफोन नहीं है इसीलिए। सो विकर हार्डनेस की बात करते हैं। विकर हार्डनेस में क्या होता है कि ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट होता है, यहाँ पे सैंपल रख दिया जाता है और इसके ऊपर सैंपल के ऊपर प्रेशर दिया जाता है, ठीक है। तो प्रेशर जिससे दिया जाता है वो होता है डायमंड, ठीक है। डायमंड एक डिवाइस पे लगा होता है, ठीक है, और उसको हम डायमंड को पुश करते हैं सैंपल के ऊपर, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंट सैंपल्स हैं, तीन सैंपल हैं, और हम पुश करेंगे और देखेंगे कि सैंपल के ऊपर इंडेंटेशन या गड्ढा कितना बड़ा बना है, ठीक है, ठीक है, होल कितना बड़ा बना है इस तरीके में। तो आप देख सकते हो सबसे बड़ा होल इस सैंपल में बना है, इसका मतलब ये सबसे सॉफ्ट है। यहाँ पे छोटा बना है, इसका मतलब ये हार्ड है, ठीक है। तो इसी को हम फिर नंबर दे देते हैं, एचवी नंबर या विकर हार्डनेस नंबर या डाई पिरामिड हार्डनेस नंबर, डीपीएच, ठीक है। इसको यूनिट नहीं होती है इस नंबर में, और इसका फॉर्मूला कुछ ये होता है, तो फोर्स अपॉन डी स्क्वायर। डी हमारा क्या है, ये डायमेंशन है, ठीक है, इंडेंटेशन के डायमेंशन है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये बात रही विकर हार्डनेस टेस्ट की, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विकर हार्डनेस का मोज स्केल से रिलेशन। अगेन डायमंड जो विकर हार्डनेस पे बैठ रहा है वो 10,000 पे बैठ रहा है, वहीं कोरोंडम 2,000 के आसपास बैठ रहा है। तो फिर से बताता है डायमंड इज लगभग 4 to 5 times हार्डर देन कोरोंडम, ओके। अब हम बात करते हैं फ्रैक्चर की। फ्रैक्चर क्या होता है, फ्रैक्चर इज द जनरल टर्म यूज टू डिस्क्राइब द वे मिनरल ब्रेक्स और क्रैक्स, ठीक है। मिनरल कैसे ब्रेक हो रहा है, क्रैक हो रहा है, और इसका रिलेशनशिप जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर का, ठीक है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर के साथ इसका रिलेशनशिप बिल्कुल नहीं है, ठीक है। कैसे स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है, उसके अंदर के आयनिक बॉन्ड वीक है या नहीं है, वो फ्रैक्चर का उससे कोई मतलब नहीं होता, ये सिर्फ भार की प्रॉपर्टी होती है, ओके। तो फ्रैक्चर के टर्म्स होते हैं इवन, ठीक है, इवन का मतलब यह है कि स्मूथ प्लेनर सरफेस बना रहा है, इरेगुलर है, इरेगुलरली ब्रेक हो रहा है, हैकली हो गया, ठीक है, शार्प एजेस। स्प्लिंटरी का मतलब क्या है, शार्प स्प्लिंटर सच एज काइनाइट एंड पेक्टोराइट, यहाँ पे एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्क्वाइडल फ्रैक्चर, क्वार्ट्स, ठीक है, तो क्वार्ट्स को आप देख लीजिए ऐसा कुछ होता है, तो ये कॉन्क्वाइडल फ्रैक्चर है, ठीक है। कॉन्क्वाइडल हम इसे बोलते हैं कि कॉच, कॉच शेप में होता है, ठीक है, शेल के शेप में होता है। तो ये बात रही फ्रैक्चर की। अब हम आते हैं क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब होता है डिस्टिंक्ट प्लैनर सरफेस में जब मिनरल ब्रेक करता है। क्यों ब्रेक करता है, क्योंकि बॉन्ड होल्डिंग एटम्स टुगेदर इन क्रिस्टल आर वीकेस्ट, ओके, उस डायरेक्शन में ब्रेक करेगा जहां बॉन्ड सबसे वीक होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्लीवेज क्या है, क्लीवेज का रिलेशनशिप क्रिस्टल स्ट्रक्चर के साथ है, ओके, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जनरली कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, पुअर क्लीवेज देते हैं, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड आर हार्ड, वहीं आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, गुड क्लीवेज देते हैं, ठीक है। फ्रेश क्लीवेज सरफेस को हम कैसे बताएंगे, एक तो फ्लैट होना चाहिए, ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होनी चाहिए उस सरफेस से, और रिपीटेशन होना चाहिए फ्लैट सरफेस का एज सेट ऑफ पैरेलल सरफेस। फॉर एग्जाम्पल बायोटाइट की बात करें, बायोटाइट में आप देख सकते हो फ्लैट सरफेस है, स्ट्रॉन्गली लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है और पैरेलल सरफेस रिपीटेड, ठीक है, यहाँ पे रिपीटिंग हो रही है। तो आप यहाँ पे उसका बायोटाइट का स्ट्रक्चर देखो, अगर आयनिक स्ट्रक्चर, तो ये सिलिकेट है, ये अपना ऑक्टाहेड्रल लेयर है, देन सिलिकेट, देन यहाँ पे पोटेशियम आयंस, तो यहाँ पे सबसे वीकेस्ट होती है, ठीक है, लेयरिंग, तो इससे के अलोंग ब्रेक करेगा अपना बायोटाइट, ओके, बायोटाइट इज अ माइका, ओके। अब हम आगे बात करते हैं, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो पाइरोक्सिन एक अच्छा एग्जांपल, इसमें क्या होता है, वीक बॉन्ड होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे वीक बॉन्ड, पाइरोक्सिन क्या होता है अपना सिंगल चेन सिलिकेट होता है, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होता है कि बिटवीन द चेन इट विल ब्रेक, ठीक है, चेन के बीच में क्या होता है, वीक बॉन्ड्स होते हैं। अगर आपने पाइरोक्सिन का स्ट्रक्चर देखा होगा तो सिंगल चेन होता है और चेन के बीच में जो बॉन्ड्स होंगे वो वीक होंगे और इस डायरेक्शन में ब्रेक होंगे, ठीक है ना, यहाँ या तो यहाँ पे होगा या तो यहाँ पे होगा, तो दोनों के बीच का डायरेक्शन क्या होगा, 90 degree होगा, ठीक है। वैसे ही एम्फीबोल क्या होता है, डबल चेन सिलिकेट होते हैं, तो दोनों के क्लीवेज के बीच का डायरेक्शन क्या होगा, 120 degree होगा, ठीक है, यह बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये कुछ इन्फोग्राफिक है, अच्छे आप देख सकते हो। अब हम टाइप की बात करते हैं, क्लीवेज टाइप की, ठीक है। बेसल क्लीवेज क्या होता है, अगर क्लीवेज एक डायरेक्शन में है, ठीक है ना, समटाइम्स कॉल्ड प्लेटी, तो माइका क्या होता है, बेसल क्लीवेज देते हैं। तो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वही अगर दो डायरेक्शन में क्लीवेज है और राइट एंगल पे है तो फेल्डस्पार यानी कि ऑर्थोक्लेज, ठीक है, वो ऐसा देगा, ठीक है, एक इस डायरेक्शन में दे रहा है, एक इस डायरेक्शन में दे रहा है, फेल्डस्पार।
ठीक है, ऑर्थोक्लेस। तो ऑर्थोक्लेस का नाम ही इसी बेसिस पे पड़ा है। ऑर्थो का मतलब होता है अपराइट और क्लेसिस मतलब होता है ब्रेक करना, ठीक है ना, अपराइटली ब्रेक करना यानी 90 डिग्री के डैश में ब्रेक करना। वैसे एम्पिपोल की हमने बात करी, ठीक है, टू डायरेक्शन नॉट एट राइट एंगल्स। ओके, यहाँ इसमें आप उसको पाइरोक्सिन को भी जोड़ सकते हो। अगेन क्यूबिक की बात करें, क्यूबिक क्लीवेज में क्या होता है, थ्री डायरेक्शन होते हैं क्लीवेज के और 90 डिग्री में होते हैं, जैसे कि 1, 2 एंड 3 90 डिग्री पे दिख रहे हैं ना आपको, सब 90 डिग्री पे मिल रहे हैं। वैसे रोम्बोहेड्रल क्लीवेज, ठीक है, तीन डायरेक्शन में क्लीवेज है, कैल्साइट का एग्जाम्पल है, तीन डायरेक्शन में क्लीवेज है लेकिन 90 डिग्री पे नहीं है, ठीक है, ये 90 डिग्री नहीं है। ओके, तो आप ये एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है। वैसे फोर डायरेक्शन में अगर क्लीवेज होगा तो फ्लोराइड, ठीक है, 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये हो गया फोर डायरेक्शन। अगर सिक्स डायरेक्शन में होगा तो स्फेलराइट होगा, ठीक है, 1, 2, अगेन 3, 4, 5 और 6। तो आपको इसके फॉर्मूले भी याद रखने हैं, ZnS स्फेलराइट, CF2 4 फ्लोराइट, NaCl 4 हैलाइट, ओके, CaCO3 फॉर कैल्साइट, एम्पीबोल का फॉर्मूला, ठीक है, ये सब आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं स्ट्रीक की। देखो स्ट्रीक क्या होती है, स्ट्रीक इज द कलर ऑफ पाउडर प्रोड्यूस बाय पल्वराइजिंग द मिनरल। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास मिनरल होगा उसको हम तोड़ेंगे तो उसके जो अंदर के जो पाउडर होगा, मतलब तोड़ने के बाद जो उसके पाउडर बनेगा उसका कलर क्या होगा, उसको हम बोलते हैं स्ट्रीक। तो होता क्या है कि बाहर मिनरल का कलर कुछ भी हो सकता है लेकिन उसका जो स्ट्रीक का कलर होगा वो डिफरेंट हो सकता है, ठीक है ना। तो द कलर ऑफ मिनरल पाउडर टेंड्स टू बी लेस वेरिएबल देन द कलर ऑफ होल क्रिस्टल, ठीक है, इसलिए कलर जो होती है, ठीक है, क्रिस्टल का कलर जो होगा वो डायग्नोस्टिक प्रॉपर्टी नहीं होती है लेकिन स्ट्रीक का कलर जो होगा वो डायग्नोस्टिक प्रॉपर्टी हो सकती है, बिकॉज स्ट्रीक डज नॉट वेरी मच, ठीक है। जैसे कि क्वार्ट्स, क्वार्ट्स की स्ट्रीक क्या होती है, व्हाइटिश होती है, ठीक है, लेकिन क्वार्ट्स के कलर बहुत सारे हो सकते हैं। ओके, कैल्साइट फॉर एग्जाम्पल ऑलवेज यील्ड अ व्हाइट स्ट्रीक इवन दो पीसेज ऑफ कैल्साइट में भी व्हाइट, पिंक और क्लियर, ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ऑल्सो जैसे पायरेट होता है, पायरेट फूल्स गोल्ड होता है, ठीक है, फूल्स गोल्ड इसलिए बोलते हैं हम उसको पायरेट को, कि पायरेट जो होता है वो ऑब्वियसली गोल्ड की तरह दिखता है लेकिन इसकी स्ट्रीक जो होगी वो डार्क कलर की होगी, ब्लैक ब्लैक कलर की स्ट्रीक होगी। वैसे ही अगर गोल्ड की स्ट्रीक जो होगी वो येलो गोल्ड होगी, ठीक है ना। तो अगर हमारे पास दोनों चीजें होंगी तो हम डिस्टिंक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, पायराइट को गोल्ड से बाई यूजिंग इट्स स्ट्रीक। हम स्ट्रीक प्लेट की बात करें तो स्ट्रीक प्लेट को हम, जो स्ट्रीक प्लेट होती है वो पोर्सलेन की बनी होती है, ठीक है ना। पोर्सलेन एक मटेरियल होता है जिसमें हम क्ले वगैरह यूज करते हैं, ठीक है, पोर्सलेन को बनाने में काफी कॉम्प्लेक्स कंपोजिशन होता है इसका, मेनली क्ले से बनी होती है, क्ले, ठीक है, आप देख सकते हो नेट पे। इसकी हार्डनेस जो होती है मोज स्केल पे स्ट्रीक प्लेट की वो होती है 7, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या स्ट्रीक प्लेट जो है वो जिप्सम को स्क्रैच कर सकती है, तो बिल्कुल स्क्रैच कर सकती है, ठीक है ना। एग्जाम्पल देख लेते हो, तो यहाँ पे भी अगेन एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखो पायराइट की स्ट्रीक ब्लैक, चारको पायराइट की, ठीक है, ग्रीन ग्रे, मैग्नेटाइट ब्लैक, गलीना लेड ग्रे, ठीक है, रूटाइल ये टाइटेनियम का होता है, ठीक है, लाइट ब्राउन, गोथाइट अगेन, ठीक है, येलो ब्राउन, एजुराइट कॉपर का और होता है, लाइट ब्लू इसकी स्ट्रीक होती है, ठीक है, सल्फर की येलो होती है, गोल्ड की गोल्ड येलो होती है, ऑर्पिमेंट एक आर्सेनिक का और होता है, ठीक है ना, पेल येलो, मैलाकाइट अगेन कॉपर का और पेल ग्रीन, ठीक है। तो ये सब आपको एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट इन चीजों में इनकी एग्जाम्पल है, ठीक है ना। हेमाटाइट की ब्लड रेड होती है, ठीक है ना, हेमाटाइट वैसे ब्लैकिश मिनरल होता है लेकिन इसकी स्ट्रीक जो होती है ब्लड रेड होती है। सिनेबार, ठीक है, मरकरी, HgS, मरकरी सल्फाइड, तो इसका डार्क रेड होती है। रियल गार इज अगेन आर्सेनिक का और होता है, ऑरेंजिस, ठीक है, रेडिश येलो होती है। सो ये बात रही स्ट्रीक की, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। इंस्टाग्राम ज्वाइन करना ना भूलें, नीचे मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे लिया, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शो योर सपोर्ट। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।